देखिए, हम अपने फोटो का जो बैकग्राउंड होता है हम रिमूव करते समय कुछ हमारा फोटो पे भी इफेक्ट वगैरह पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल वगैरह देख लेते हो, बहुत सारे आप टेक्निक वगैरह यूज़ कर लेते हो, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट वगैरह दिखाई देता है, या तो आपका कुछ साइड वगैरह निकल जाता है, कुछ साइड से बाल वगैरह निकल जाता है, कुछ इस तरह का इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है जब आप फोटोज़ का जो बैकग्राउंड रिमूव करते हो, तो वो सारा उस पर स्क्रैच वगैरह या फोटो पे कुछ हल्का कोई ना कोई दिक्कत आपको उस पर दिखाई देता है, ठीक है। तो आप वैसे बहुत सारे वीडियो सर्च कर लेते हो और बहुत सारे वीडियो पे आप देख लेते हो। एक सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने का। आपके फोटो पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ओरिजिनली फोटो रहेगा, उस फोटो को कहीं भी आप एडिटिंग करके यूज कर सकते हो, ना तो कोई आपको फोटो पे कोई डिफेक्ट मिलेगा और ना ही कुछ प्रॉब्लम मिलेगा। बस सिंपल है, जस्ट एक क्लिक आपका फोटो रेडी हो जाता है बैकग्राउंड रिमूव वाला। आप यूज करके देखिए, लिटरली कह रहा हूं मैं कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके आराम से यूज कर सकते हो, फोटो पे कोई इफेक्ट वगैरह नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी आपके फोटो पे डिफेक्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए ओपन करना पड़ेगा हमें गूगल, ठीक है। तो गूगल में जाके हम सारे प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो मैं डालते रहता हूं। तो हमें बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, उस वीडियो को लेकर आप लोगों से कुछ अच्छा चीज शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं गूगल ओपन कर लेता हूं यहां से। तो इसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव आ गया, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक आप ये फ्री इमेज बैकग्राउंड रिमूव का भी एडोबी का एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ साइन आउट वगैरह करना पड़ेगा आपको, तो बिना साउंड आउट का आपका होगा नहीं। मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करता ना, इससे पहले मैंने कभी यूज़ किया है। तो मैं इसे अपलोड पर क्लिक करूँगा, फोटो अपलोड पर, और देखता हूँ होता कि नहीं है। तो यहाँ ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये ओपन होने में, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। हाँ, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रखा है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो मैं इसे वाइल यूजिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ, और साइन इन का भी ऑप्शन आ रखा है, आप साइन इन करके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं टेम्पररी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ पे क्लियर करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने ये फ़ोटो अभी क्लिक किया था, अभी अपने वीडियो से रियल क्लिक किया था, क्योंकि इस मोबाइल पे मेरा कोई भी फोटोज़ वगैरह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी इसे इस फोटो को क्लिक किया अपने फ्रंट कैमरे से, अब इसे मैं लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। रिफ्लेइंग द एजेस आपको सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट करके देगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे वीडियो फोटोज़ यहाँ पे देखिए, आपका फोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और यहाँ पे कहीं भी आप डिफेक्ट नहीं दे सकते। ये भी बहुत बढ़िया आपका साइड है जहाँ से आप रिमूव कर सकते हो अपने फोटो का बैकग्राउंड। और मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ मैं, वो आपको दिखाने वाला हूँ, वो है आपका बीजी रिमूवर, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा पहले, और यहाँ पे लिखूँगा बीजी रिमूवर, ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए, ये पहला ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करता आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आता है, अपलोड इमेज में आपको क्लिक करना है, और फाइल में जाना है आपका, जहाँ भी आपका फोटो वगैरह है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया था उसे ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फोटो नहीं है एक्स्ट्रा। तो इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड भी है और बहुत बेहतरीन। मैं पूरा अपना जितना भी फोटो का जो बैकग्राउंड होता है मैं यहीं से रिमूव करता हूँ अपने थंबनेल बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि से तुरंत हो जाता है, बहुत स्पीड है। आपको कुछ साइन इन करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, आपका फोटो यहाँ पे रेडी है। तो ये परफेक्ट तरीका है, ठीक है, आपका अपना फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। और इस तरह ये फोटो आप कहीं भी जाके किसी भी शॉर्ट्स वीडियो के लिए एडिटिंग करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हो, और कहीं भी जाके आप ये फोटो यूज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जो मैं आपको अपने फोटो का जो बैकग्राउंड था उसे कैसे रिमूव किया जाता है, और कौन सा वेबसाइट सबसे बेस्ट होता है। ये दो है, एक एडोबी और एक बीजी रिमूव। सबसे बेस्ट है वेबसाइट जो आप अपने फोटो का बैकग्राउंड आराम से रिमूव कर सकते हो बस एक क्लिक पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे मैं आपको कहता हूँ, कुछ क्रेडिट देना चाहते हो, अगर लगता है कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो और कुछ आप मुझे क्रेडिट देना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक हो सके तो लाइक दे देना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर से कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हैव अ गुड डे।